राम राम मधुर धुन नारायण नारायण। आदरणीय भाइयों और बहनों, आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि प्रकृति जो संदेश, नारायण जो संदेश मेरे माध्यम से आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे मैं सही तरीके से आप सभी तक पहुंचा सकूं। नारायण नारायण नारायण। नारायण को हाजिर मान और माँ सरस्वती का ध्यान कर सत्र की शुरुआत। शुरुआत हमारी प्रार्थना से। हे नारायण, आपका धन्यवाद है, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है, प्यार आदर सम्मान प्रशंसा जैकपॉट से भरा हुआ। हे नारायण, हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है, और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जन्म कुंडली, सभी कुछ हमारे अनुकूल है। हम भाग्यशाली हैं, हम कृपाशाली हैं, हम पर नारायण की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। नारायण आपका धन्यवाद है, हमारा घर सुख शांति समृद्धि से भरा हुआ है और पूरी तरह सुरक्षित है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। हम विचार वाणी व्यवहार से सकारात्मक हैं, सकारात्मक हैं, सकारात्मक हैं। हम सदैव सत्य बोलते हैं और सही मार्ग पर ही चलते हैं। नारायण आपका धन्यवाद है जीवन के सातों सुख देने के लिए। नारायण आपका धन्यवाद है आज जीवन स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए। इसलिए हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। हमारा चित्त शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है। हम खुश और संतुष्ट हैं, खुश और संतुष्ट हैं, खुश और संतुष्ट हैं। और हम हर व्यक्ति में नारायण के ही दर्शन करते हैं। अब लगातार त्योहार चलेंगे। एक बड़ा त्योहार जा चुका है रक्षाबंधन का, और आने वाले दिनों में कुछ न कुछ त्योहार आपके सामने रहेगा ही रहेगा। ऐसी कुछ व्यवस्था करते हैं कि जो भी त्योहार अभी आते चले जाएंगे वो हम खुशी आनंद और उत्साह के साथ मनाते चले जाएं। तो ऐसा क्या करें, क्या व्यवस्था करें कि जितने भी त्यौहार हमारे जीवन में आए, सारे के सारे त्यौहार, त्यौहार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम खुशी आनंद उत्साह के साथ ही मनाएं। ऐसी व्यवस्था, ध्यान से एक एक चीज़ देखनी है। कई बार ऐसा होगा कि पिछली बार ये चीज़ सुनी थी, पर वापस यदि कानों में पहुंच रही है, इसका मतलब है कि इसकी आपको ज़रूरत है। हाँ, हर व्यक्ति में दो प्रकार की ऊर्जा, पॉजिटिव भी निगेटिव भी, जिससे हम सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा भी कह सकते हैं, अच्छी ऊर्जा बुरी ऊर्जा भी कह सकते हैं। अब इसके अंतर्गत नकारात्मक ऊर्जा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं और सकारात्मक ऊर्जा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, ताकि हमें विस्तार से चीज़ों का पता चल सके। क्योंकि हमारा फोकस क्या है, आने वाले त्यौहार खुशी आनंद उत्साह के साथ मनाएं। जितनी क्वांटिटी आपकी खुशी आनंद उत्साह की होगी, ध्यान से सुन लीजिए,
उतनी ही क्वांटिटी आपकी सुख शांति समृद्धि सफलता की बढ़ेगी। तो नकारात्मक ऊर्जा के अंतर्ग्रह आता है निगेटिव एनर्जी, जिसे कहते हैं ये क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ईगो। ईगो थोड़ा बड़े अक्षर में लिखा है क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा होता है पर हमें दिखाई बहुत छोटा देता है। बदला लेने का भाव या गलत सोचना किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में। और ईगो के अंतर्गत ही आता है अड़ जाना, जिद करना, असंतुष्टता, पेशेंस का अभाव। ये सारी चीजें तो आती है नकारात्मक ऊर्जा के तहत, इसे हम कहते हैं निगेटिव एनर्जी, है ना। सकारात्मक ऊर्जा के अंतर्गत किसे कहते हैं सकारात्मक ऊर्जा? यदि आपके भीतर प्रेम, विश्वास, शांति, अच्छाई, भलाई, करुणा, सहन शक्ति, धैर्य, ये चीजें आती है हमारी सकारात्मक ऊर्जा के तहत। ये दोनों ऊर्जा हमारे शरीर में सुप्त और शांत अवस्था में है। जब हम हमारे व्यवहार में ऐसी चीजें लाते हैं क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, तब हमारी ये नकारात्मक ऊर्जा जागृत होती है। अभी ध्यान देना होगा कि ये अलग अलग रूप जरूर दिखाई दे रहे हैं, तो वो ईर्ष्या, द्वेष, शिकायत का भाव, दूसरों पर दोषारोपण करना, ये चीजें अलग अलग दिखाई दे रही है। पर यदि इसमें से आपने एक को भी पकड़ा, मतलब आपके भीतर एक चीज भी है, तो ये पूरा का पूरा खानदान आपके भीतर आ जाता है। एक चीज भी पकड़ी, आप देख लीजिए, एक चीज भी, इतनी सी भी, दाने भर भी आपके भीतर आई, ये पूरा का पूरा परिवार आपके भीतर सिमट जाता है। और इसमें से भी वही अवस्था, वही व्यवस्था, यदि एक चीज भी आई तो ये पूरा परिवार आपके भीतर आ जाता है। अब जब ये चीजें पूरे परिवार के साथ आपके भीतर प्रवेश करती है, ये पूरे इसमें पहुंच जाती है, शरीर को अस्वस्थ कर देती है, बीमारियों का घर कर देती है, और साथ ही साथ मानव, हम कहते हैं, वो दानव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ओसामा बिन लादेन, हिटलर, उनकी ये ऊर्जाएं मात्रा से अधिक बढ़ चुकी थी, नतीजा हम जानते हैं, और अधिक लोगों का नाम नहीं देंगे। और जब ये ऊर्जा बढ़ जाती है, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, ऐसे लोग पैदा होते हैं, नर से व्यक्ति नारायण बन जाता है, जब ये ऊर्जा अधिक फैलती है, तब बढ़ती है तब। अब विस्तार से जानते हैं कि किस ऊर्जा का हमारे ऊपर क्या क्या असर होता है। हमने जाना दो प्रकार की ऊर्जा, निगेटिव और पॉजिटिव। रूप देख लिया आपने, निगेटिव कौन सी है, पॉजिटिव कौन सी है, किस रूप में निगेटिव ऊर्जा प्रवाहित होती है, किस रूप में सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवाहित होती है, ये आपकी आती है। पहले चर्चा करते हैं नकारात्मक ऊर्जा का असर हमारे शरीर पर और बाकी चीजों पर क्या होता है। जब आपके भीतर, हमने कहा ना कि यदि एक चीज, एक क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, शिकायत, निंदा, इसका एक भाव भी जरा सा भीतर आ गया, ईगो आ गया, तो वो सारी चीजों को अपने भीतर समेट लेता है, पूरे खानदान को ले आता है। इसका नतीजा ये कि ये तरंगे आपके भीतर समेटने लगती, प्रवाहित होने लगती है। और देखिए, बचपन से ही हमें सिखाया जाता है गुस्सा मत करो, कंपैरिजन मत करो, अड़ो मत, जिद मत करो। हम छोटे बच्चों को आज भी कहते हैं यदि ऐसा करोगे तो तुमको बैड बॉय बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बुरा बच्चा है,
तुमको प्रेम करना है दूसरों से, दूसरों पर विश्वास रखना है, ताकि आप गुड बॉय की श्रेणी में आओगे। ये बचपन से हम गुड बॉय बैड बॉय ये हम कितनी बार पहले भी सुन चुके हैं, अभी भी सुन रहे हैं, और हर सत्संग में भी आपसे कहा जाता है, इधर की बात छोड़ दीजिए और भी सत्संगों में भी, कि क्रोध ईर्ष्या द्वेष मत कीजिए। क्यों मत कीजिए? पाप लगेगा। खाली हमें पाप और पुण्य की भाषा सिखाई गई, गुड और बैड की भाषा सिखाई गई, पर वो चीज़ें हमें भीतर तक समझ में नहीं आई। क्योंकि कई बार हम सत्संग में जब छोटे थे, जब भी कभी दादी के साथ भी गए, और जब वो मंच से सुनते थे कि गुस्सा करोगे, कंपैरिजन करोगे, झूठ बोलोगे, चीखोगे चिल्लाओगे तो पाप लगेगा। दूसरों से प्रेम करो, सहायता करो, पुण्य मिलेगा, पर पुण्य का अर्थ क्या वो नहीं मालूम था, है ना। और कई बार सत्संग से उठते उठते सुन लेते थे, क्योंकि छोटे थे ना, पाप लगेगा तो लगेगा, हम तो चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे, सत्संग के बीच ही सुन लेते थे, तो पाप और पुण्य की परिभाषा हमें समझ में नहीं आती थी। गुड और बैड, बैड बॉय बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, उसकी परिभाषा नहीं समझ में आती थी। पर आज ये चीज़ें हम विस्तार से जानेंगे, क्योंकि हमें आने वाले समय में हमारा त्यौहार खुशी आनंद उत्साह के साथ मनाना है। और हमने आपसे कहा कि जितनी क्वांटिटी आपकी खुशी आनंद उत्साह की होगी, उसी तादाद में आपके सुख शांति समृद्धि सफलता बढ़ती जाएगी। हाँ, तो जब ये तरंगे, जब आप क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, हमने कहा कि एक चीज भी पकड़ते हैं तो पूरा खानदान आपके भीतर प्रवेश कर जाता है, और ये तरंगे आपके शरीर से प्रवेश, तरंगे आपके शरीर में फैलती चली जाती है, नतीजा शरीर आपका रोगग्रस्त हो जाता है। बराबर है, आदि डायबिटीज है, बीपी है, अस्थमा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, दुनिया भर की बीमारियां इसमें प्रवेश कर जाती है, और यही तरंगे आपके शरीर से बाहर भी निकलती है, जो आपको दिखाई नहीं देती, पर ये पूरी आपकी ऑरा में समाहित हो जाती है। और ये कहीं से भी, ये इतनी तीखे तरंगे हैं कि कहीं से भी आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि को आने नहीं देती, सफलता को आने नहीं देती। ध्यान से समझिए इन तरंगों का असर, कि ये चीजें समझो आपके भाग्य में लिखी हुई है, पहुंचे हुए ज्योतिष ने आपसे कहा है कि ये आपके भाग्य में है, ये सफलता आपको निश्चित मिलनी, इसके आप हकदार हैं, राजयोग है, विदेश यात्रा योग है, सब लिखा हुआ है, क्लियर दिख रहा है, पर ये तरंगे इसके ऊपर जाती है, इससे धुंधला कर देती है, इससे ऊपर आने नहीं देती है। भाग्य में लिखी हुई चीजें भी आपको नहीं मिलती है, समझ लीजिए विस्तार से चीजों को, जो भाग्य में है, जन्म कुंडली में लिखा हुआ, उन पर भी ये चतरंगे जा जाके इन्हें दबा देती है, आपके भाग्य में जो चीजें हैं वो भी आप हासिल नहीं कर पाते। जब इस तरह का व्यवहार आप करते, क्रोध कोई भी एक चीज आपने की, ईर्ष्या द्वेष लिया, ईगो रखा, जिद की, अड़ीबाजी की, वो पूरा परिवार आ जाता है। आप तोल के देख लीजिए, परिवार का किसी सदस्य को पकड़ लीजिए, यदि इसने क्रोध किया तो पूरी चीजें उसमें आ गई, ईर्ष्या रखा तो पूरी चीजें आ गई, सारी की सारी चीजें एक साथ थाली में पुरुष के प्रवेश कर जाती है। तो शरीर अस्वस्थ, बीमारियां रोगग्रस्त, और साथ ही साथ ये ऑरा को इतनी टाइट पकड़ लेता है नेगेटिव एनर्जी, कि आपके भाग्य में लिखी हुई चीजें भी आपके हाथ में नहीं आती। तकदीरों में लिखा हुआ है पर आपके हाथ में नहीं आता, क्योंकि तरंगे उन्हें आने नहीं देती। सेकंड था हमारा कि नकारात्मक ऊर्जा का असर, और जब सकारात्मक ऊर्जा यानी आपका स्वभाव, जब आपका स्वभाव प्रेम विश्वास शांति अच्छाई भलाई करुणा से भरा हुआ धैर्य पेशेंस है, ऐसी अवस्था में यहाँ पर आपके शांति प्रेम का व्यवहार चल रहा है, ये तरंगे जब शरीर में प्रवाहित होती है, इससे आप संजीवनी बूटी का नाम आसानी से सरलता से दे सकते हैं,
ये शरीर को आपके अति स्वस्थ कर देती है। इन तरंगों में इतनी सामर्थ्य है, यदि शरीर का कोई अंग आपके शरीर के भीतर नहीं है, समझो किडनी नहीं है जो गंदगी को साफ करती है, एक किडनी है, पर उस वो किडनी न होने से भी ये तरंगे उसका कार्य कर देगी और आपको स्वस्थ रखेगी। शरीर को तो आपके एकदम स्वस्थ रखेगी ही सही, स्टेमिना फुर्ती से भरपूर रखेगी सही, और ये बाहर निकल कर भी, क्योंकि जो शरीर के भीतर है वही तरंगे बाहर भी अदृश्य रूप में प्रवाहित होती है। अब ये समझो सुख शांति समृद्धि आपके भाग्य में नहीं है, ये आपकी जन्म कुंडली। सफलता आपके भाग्य में नहीं है, पर ये तरंगे जा जाके आपकी कुंडली में सफलता भर देती है। सुख शांति भरने की इसके भीतर सामर्थ्य है, इन तरंगों में सामर्थ्य है। इतने स्ट्रांग तरंगे हैं ये, भाग्य में नहीं है फिर भी आपके पास चीजों को पहुंचाने का सामर्थ्य रखती है, है ना। हर सत्संग में आपसे कहा जाता है अच्छा व्यवहार करें, अच्छे बने, ईमानदार बने। क्यों? क्योंकि ये तरंगे प्रवाहित होगी तो बाहर जाके आपका भाग्य बनाएंगी, आपके भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करेगी। तो ये हर सत्संग में जब आप आते हैं अच्छी बातें सुनते हैं। क्यों अच्छी बातें सुनाई जाती? ताकि ये तरंगे प्रवाहित हो और जो चीज़ें आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं उन चीज़ों को आप आसानी से सरलता से पा सकें, है ना। ऐसा क्या करें कि ये तरंगे हमारी नियमित प्रवाहित होती रहें, क्योंकि इसी के साथ, इन तरंगों के साथ ही हम 24 घंटा रहें, ऐसी व्यवस्था अभी हम करने जा रहे हैं। और किन कारणों से हमारी ये अवस्था हो जाती है? नकारात्मकता की ओर जाते हैं हम, और हमारे भाग्य में लिखी हुई चीज़ें भी हमारे हाथ में नहीं आती है, लकीरों में हैं पर हाथ में नहीं आती। और इसकी अवस्था में लकीरों में नहीं है पर आपके हाथ में आप आसानी से सरलता से पा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था करते हैं कि सतत हमारे भीतर सकारात्मक तरंगे ही चलती रहे और हम आजीवन स्वस्थ भी रहें और जो जो चीज़ें हम चाहते हैं हमारे जीवन में वो चीज़ें आसानी से सरलता से हम पाते चलें। शुरुआत करते हैं केशव से। केशव कहते हैं कि एक सेठ था, ये सेठ, उसने एक एम्प्लॉई रखा अपने यहाँ काम करने के लिए, नौकरी पर। सेठ ने देखा इसके काम करने के तरीका जो था उसे देखकर जजमेंट ले लिया कि लड़का बहुत मेहनती है, इसके भीतर बहुत अधिक क्षमता है, यदि इसके ऊपर मैं थोड़ी सी भी मेहनत करता हूँ, थोड़ा धन लगाता हूँ, थोड़ा समय लगाता हूँ या एफर्ट डालता हूँ तो ये लड़का काफ़ी आगे निकल जाएगा, होशियार हो जाएगा, और जब ये होशियार हो जाएगा मेरी कंपनी में ही फायदा कर देगा, ये मेरे प्रति वफादार रहेगा, मुझे सहयोग देगा। ये सोचकर इस सेठ ने इस लड़के के ऊपर काफ़ी मेहनत की। दिन भर ये लड़का ऑफिस में काम करता, शाम को अतिरिक्त पढ़ाई के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करता, अतिरिक्त कोर्सेस करता। 3 साल तक लगातार सेठ ने इसके पीछे बहुत अधिक मेहनत की और इसकी इस खुद की मेहनत प्लस सेठ के सपोर्ट से लड़का निरंतर आगे बढ़ता चला गया। पर इस लड़के के मन में ये बात अच्छे से बैठी हुई थी कि यदि मैं आज प्रगति कर रहा हूँ, आज सफलता की ऊंचाई पर पहुँचा हूँ तो सारा का सारा क्रेडिट जाता है मेरे सेठ को, इसकी वजह से मैं आज ऊंचाई पर पहुँचा हूँ। और मैं ऐसा क्या करूँ कि जो इन्होंने मेरे पीछे इतनी मेहनत की है, इतना धन लगाया है, इतना समय दिया है, मुझे भी इनका रिटर्न करना है, वापस रिटर्न करना है। और बारंबार बात बात में वो अपने सेठ से कह भी देता, जब सेठ कहता कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो, तो बारंबार ये अपने सेठ से यही बात कहता कि यदि आज मैं इस ऊंचाई पर हूँ तो इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है, आपकी वजह से मैं ही इतनी आगे पहुँचा हूँ, इतनी मैंने पढ़ाई की है, इतनी ऊँचाई पर मैं पहुँचा हूँ, सफलता मैंने प्राप्त की है।
और सेठ का जवाब होता कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है, ये तो तुम्हारी खुद की मेहनत है, तुम्हारे भाग्य में चीज़ें लिखी हुई थी, तुमने मेहनत की, तुमने उन चीज़ों को पा लिया। 3 साल तक लगातार सेठ ने इसके पीछे मेहनत की। दिन भर लड़का ऑफिस में काम करता, शाम को अतिरिक्त क्लासेस ले लेके आगे बढ़ता गया। और कई बार ऐसा भी होता कि उसे क्लास में जल्दी पहुंचना होता, सेठ उसे जल्दी भी छुट्टी दे देता। जिस तरह से मेहनत करता जा रहा था, उतनी ही तादाद में सेठ इसे मदद करता जा रहा था। अब पढ़ाई पूरी हो गई, जो कोर्स करने थे वो इसने कर लिए, अब कंपनी के काम में जुट गया। और हमेशा इसके दिमाग में चलता कि मैं कितना इस कंपनी का ऐसा क्या कर दूं कि कंपनी और अधिक प्रॉफिट में चले, और अधिक प्रॉफिट मिले, और अधिक प्रॉफिट मिले। क्योंकि यदि आज मैं जहां पर हूं, कारण मेरे सेठ की वजह से हूं। अब एक बार ऐसा हुआ कि सेठ तीर्थ यात्रा पर गया, पीछे से इस लड़के को विदेश में नौकरी का प्रपोजल मिला। प्रपोजल भी बहुत हाई रेट पे था कि जितनी तनख्वाह उसे अब मिल रही थी उससे अधिक 5 गुना तनख्वाह वहाँ पर मिल रही थी। तनख्वाह तो ठीक है, साथ ही साथ इसका ज्ञान इतना बढ़ चुका था, ये कंपनी छोटी थी, इसे ये भाव आया यदि मैं वहाँ पर जाता हूँ तो मेरी उन्नति अधिक होगी, पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही जब जो मेरे पास नॉलेज है, जो कुछ मैंने सीखा है, मैं वहाँ पर इन चीज़ों का प्रयोग कर सकूँगा। अब जाने की ठानी, पर यह भी व्यवस्था उसे देखनी थी कि यदि मैं वहाँ पर जाता हूँ तो इस कंपनी की व्यवस्था मुझे करके जानी है। वो चाह रहा था कि मैं अपने बॉस से बात कर लूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, यही अपॉर्चुनिटी है। पर संयोग ऐसा कि सेठ जहाँ पर गया हुआ था वहाँ पर रेंज ना पकड़ने की वजह से इसका संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसने डिसीज़न ले लिया कि मुझे विदेश जाकर कमाना है 5-7 साल, मेरा जो ज्ञान मुझे मिला है उसका उपयोग करना है, उसे आगे बढ़ाना है, और पीछे की जो व्यवस्था मेरी रहेगी, जो काम मैं यहाँ पर कंपनी में करता था, जो जिसकी वजह से कंपनी आगे बढ़ती जा रही थी, मैं किसी और को सारा का सारा काम सिखा दूंगा ताकि यहाँ का काम भी चलता रहेगा और विदेश जाकर मैं मेरा भी मुनाफा कमा लूँगा। उसने स्टाफ को ट्रेनिंग देने शुरू की कि इस स्तर से काम करना है, और यदि समझो कोई बीच में तकलीफ आती है तो मुझसे फ़ोन पर संपर्क कर लेना ताकि इस कंपनी का भी काम चलता रहे और साइड में मैं मेरी प्रगति भी करता रहूँ। उस सामने वाली विदेशी कंपनी ने इसको टिकटें भेज दी कि इसको अगले महीने की 1 तारीख से कंपनी ज्वाइन करनी है और हफ्ते भर पहले इसे वहाँ पर पहुँचना है। जब ये पीछे से सारी तैयारी करने लगा था कि कंपनी को भी व्यवस्थित करना है, मेरे पर्सनल काम को भी व्यवस्थित करना है, जब बॉस वापस अपने देश पहुँचा तब इसके जाने में सिर्फ हफ्ते भर की देरी थी। इसने बॉस को समाचार दिया कि मैंने ऐसे ऐसे विदेश में कंपनी ज्वाइन की है, ये व्यवस्था उधर है, और इतना भर सुनना था, सेठ ने सिर्फ इतना सुना कि मैं अगले एक महीने की तारीख से मैंने विदेश में कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ और 7 दिनों बाद मैं वहाँ पर पहुँच रहा हूँ ये जमा करने के लिए, और आगे वो बताने जा रहा था कि मैंने यहाँ की क्या व्यवस्था कर रखी है, जब मैं चला जाऊँगा तो पीछे व्यवस्था क्या होगी। ये वो कुछ कहता उसके पहले बॉस चिल्ला पड़ा कि तुम्हारी औकात क्या थी जो तुम ये कंपनी छोड़ कर जा रहे हो, आज तुम्हें पता है क्या तुम जहाँ पर खड़े हो मेरी वजह से खड़े हो, मैंने तुम्हारे पीछे बहुत मेहनत की, धन लगाया, समय लगाया, जब तुम आज जाके इस ऊंचाई पर पहुँचे हो, तुम यहाँ से इधर से छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ विश्वासघात मत करो, स्वार्थी मत बनो, मतलबी मत बनो, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। और कितना कुछ क्रोध में बॉस उसे बोल गया। उस लड़के ने शांति से सुना इस भाव से कि, और कहा भी बॉस से कि ये सच्चाई है, मैं इस बात को मानता हूँ कि यहाँ पर यदि मैं पहुँचा हूँ तो खाली आपकी वजह से, आपने समय लगाया, धन लगाया, मेहनत किया, तब जाके मैं यहाँ खड़ा हूँ। पर बॉस इतने क्रोध में था कि वो जो लड़का कह रहा है उसकी बात सुनने की व्यवस्था में नहीं था। वो लड़का अपने घर चला गया। दूसरे दिन वापस आया इस भाव के साथ कि 2-3 दिन में मैं अपने बॉस को समझा दूंगा कि मैंने क्या व्यवस्था कर रखी है, एकदम शुद्ध पवित्र भाव के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। पर जो ही इसने वापस ऑफिस में कदम रखा,
बॉस ने सुनना चीखना चिल्लाना चालू कर दिया सब जो बाकी जो सदस्य थे एम्प्लॉय थे उनके सामने कि देखो कितना मतलबी है, कितना स्वार्थी है, इसके पीछे मैंने इतना धन लगाया, इतना समय लगाया और आज ये अपने खुद के प्रॉफिट के लिए इस कंपनी को छोड़ के विदेश जा रहा है। बॉस उसकी एक भी बात नहीं सुनी। लगातार जब चौथे दिन भी ऐसा ही व्यवहार उसके साथ होता रहा बॉस की तरफ से, अब इस लड़के को भी क्रोध आ गया। इसने कहा ये भी सही है, ये सच है, मैं मानता हूँ कि आपने पैसा लगाया, धन लगाया, मैंने भी आपकी कंपनी में बहुत काम किया है, सुबह से मैं जल्दी आता था, शाम को लेट जाता था और जितना आपने मेरे लिए किया उससे अधिक मैंने भी इस कंपनी के लिए कर दिया है और जहाँ तक पैसों की बात है कि आपने मेरे ऊपर इतने रुपये खर्च किए हैं तो मैं बहुत सारे के सारे आपको लौटा दूंगा, आपको इतना मेरे ऊपर चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। जवाब इस लड़के ने भी दे दिया। नतीजा ये रहा कि दोनों के बीच दूरियाँ, जो दूरियाँ उनके बीच हुई वो उसके बाद कभी भी एक दूसरे ने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी। जो रिश्ता लंबा चलता वो वहीं पर टूट गया, दोनों अलग हो गए। एक केस और दूसरा केस, ये मिस्टर ए और ये मिस्टर बी, दोनों छोटे से कस्बे में गांव में रहने वाले, बचपन से साथ रहे, एक स्कूल में पढ़ाई की, दसवीं तक की जब पढ़ाई हुई एसएससी पास हो गए दोनों जन, तब ये बी तो वहीं गांव में रह गया और ए जो है शहर में आ गया। इसने वहीं पर उतनी ही पढ़ाई की दसवीं तक की, क्योंकि आगे उस गांव में व्यवस्था नहीं थी, अपने पिताजी की खेती बाड़ी संभालनी शुरू की, तो वही हैंड टू माउथ जितना खाने पीने का सामान आता उसी में निम्न मध्यम वर्ग का ये अपना जीवन जी रहा था। ए शहर आ गया, इसने पढ़ाई लिखाई की, खुद का व्यापार खड़ा किया और ये अमीरों की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया। ये अमीर और ये गरीब का गरीब अपने गांव में ही रहा, खेती बाड़ी से अपना खान पान चला रहा था, अपना रोजी रोटी चला रहा था। ये एक के जो माता पिता थे वो गांव में ही रहते थे, उसकी वजह से ए हर साल साल में एक बार या दो बार गांव जाता अपने माता पिता से मिलने, और जितनी बार भी अपने माता पिता से मिलने जाता, चाहे ये अमीर था ये गरीब था, पर दोस्ती वैसी की वैसी थी, बनी हुई थी, एक दूसरे के प्रति प्रेम उतना ही था। तो जितनी बार भी अपने माता पिता से मिलने गांव जाता उतनी बार इस मित्र से मिलने के लिए भी जाता, इसके खैरियत पूछता। जब एक बार ये मिस्टर एक गांव गया हुआ था और इस मित्र से मिलने के लिए पहुंचा, उस दिन इस मित्र की बेटी का रिजल्ट आया था एसएससी का, और इस मित्र की बेटी ने एसएससी में टॉप किया था, पूरे कस्बे में ये प्रथम रैंक लेकर आई थी और मिठाई सबको खिलाई जा रही थी। जब ए पहुंचा, इसने भी इसे बधाई दी, बातचीत की, फिर इससे पूछा कि तुम अभी तो तुमने टॉप किया है, आगे क्या पढ़ना चाहती हो, कौन सी लाइन में जाना चाहती हो, क्या करना चाहती हो। इसकी एवज में इसके पिता ने जवाब दिया कि गांव में तो कोई आगे कॉलेज की व्यवस्था है नहीं, स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, यदि इसे आगे मुझे पढ़ाना पड़े तो मुझे शहर भेजना होगा, शहर भेजने के लिए मुझे खूब सारा पैसा चाहिएगा जिसकी व्यवस्था मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ दो वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ, उतना ही धन है, इसके ऊपर नहीं है, मैं इसे शहर पढ़ने के लिए नहीं भेज सकता। मिस्टर ए के मन में आया कि लड़की प्रतिभाशाली है, होशियार है, जरा से पैसों की वजह से इसकी पढ़ाई रुक रही है और यदि पढ़ना चाह रही है तो मैं इसे शहर ले जाकर इसको आगे पढ़ाऊँगा। इसने मिस्टर ए ने अपने मित्र से कहा कि बच्ची की मंशा पढ़ने की है, खाली पैसों की वजह से इससे मत रोको, मैं अपने साथ शहर ले जाता हूँ ताकि आगे की पढ़ाई कर सके, क्योंकि इसके भीतर क्षमता है मेहनत करने की। ये उसका मित्र भी मान गया कि यदि ये मेरा दोस्त ले जाता है तो मेरी बेटी का जीवन बन जाएगा, ये बेटी इस सेठ के साथ मिस्टर ए के साथ शहर चली आई। मिस्टर ए ने बहुत बढ़िया कॉलेज देखकर उसका एडमिशन करवा दिया, बहुत अच्छी हॉस्टल में व्यवस्था कर दी, एज अ गार्जियन खुद का नाम वहाँ पर दे दिया कि मैं संभालता हूँ करता हूँ, और जो क्लासेस की व्यवस्था करनी थी, जो चीज़ें भी इसकी ज़रूरत थी
वो सारी की सारी बहुत बढ़िया तरीके से पूरी की। और ये लड़की होशियार थी, इससे इनका मिस्टर ए का सपोर्ट मिल गया। ये निरंतर प्रगति करती चली गई, आगे बढ़ती चली गई। बीच बीच में ये मिस्टर ए इससे मिलने के लिए आता और ये लड़की हमेशा धन्यवाद करती कि अंकल आपका सपोर्ट है, आपने धन लगाया है, इसलिए मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, वरना अन्यथा तो मुझे उस छोटे से गाँव में ही रहना पड़ता। और हमेशा ये जवाब देता कि तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारे भाग्य में लिखा था, तुम मेहनत कर रही हो, ये सब तो ऊपर वाले की व्यवस्था है। ये कन्वर्सेशन चलता होते होते इसने, इस लड़की ने पीएचडी की परीक्षा दी। आगे बढ़ते बढ़ते जिस दिन पीएचडी का नतीजा निकला और जब इसे पता चला कॉलेज कैंपस में ही कि इसने टॉप किया है, पीएचडी में फर्स्ट आई है, जो ही फर्स्ट का पता चला इसकी सारी सहेलियों ने इसे घेर लिया कि अब तुम्हें पार्टी देनी होगी, हम इसको सेलिब्रेट करेंगे, तुम जो टॉप आई है हम सेलिब्रेट करेंगे। इसका ये कहना था कि सेलिब्रेशन करने से पहले मैं मेरे पिता के दोस्त के पास जाना चाहूँगी, अंकल के पास जाना चाहूँगी, क्योंकि यदि आज मैं इतने ऊँचे पहुँची हूँ, टॉप किया है, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है, पहले इन तक समाचार पहुँचाऊँगी पर्सनल जाके, उसके बाद हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे। ये कॉलेज से सीधे इनके पास पहुँची और अपनी खुशी जाहिर की कि अंकल आपकी वजह से आज मैंने पीएचडी में टॉप किया है। और इन्हें भी बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी मेहनत थी, तुम टॉप पर पहुँची हो। फिर सहज ही इन्होंने उनसे पूछ लिया उस लड़की से कि तुमने अपने पिता को तो समाचार दिया क्या कि तुमने पीएचडी में टॉप किया है, उन तक गांव में समाचार दिया क्या? इस लड़की का कहना था कि अंकल मैं चाहते थे कि पहले आपको समाचार दूं, क्योंकि आपने बहुत एफर्ट डाला है, अब मैं मेरे पिताजी को भी फ़ोन करके बताने वाली हूं कि मेरा ये नतीजा निकला है। इनका मिस्टर ए का कहना था कि तुम मत बताओ, मैं तुम्हारे पिताजी को ये गुड न्यूज़ दूंगा, और एक नहीं दो गुड न्यूज़ दूंगा। दूसरी कौन सी? दूसरी ये कि तुम्हारी बेटी की शादी की तैयारी करो, मैं इसे अपने घर में मेरे बेटे के साथ शादी करना चाहता हूँ, इसे बहू बनाकर लाना चाहता हूँ, ये दो समाचार मैं तुम्हारे पिता को देना चाहता हूँ। और इसका बेटा भी पढ़ा लिखा अच्छा था, पर जो ही लड़की ने ये सुना तुरंत मना कर दिया कि अंकल मैं आपकी बेटे से शादी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं किसी और से प्रेम करती हूँ, ये मेरे लिए संभव नहीं होगा, मैंने किसी और से वादा कर रखा है। तो मैं आपसे कहने ही जा रही थी कि मेरे पिताजी से आप कह दीजिए कि जिस लड़के को मैं चाहती हूँ मेरी शादी उससे करवा दी जाए। पर जब इसे नकार दिया गया इसके बेटे की शादी के लिए, इससे बहुत गुस्सा आया कि तुम कैसे अपने मन की कर सकती हो, यदि यहाँ तक पहुँची हो तो मेरी वजह से, अन्यथा उस छोटे से गांव कस्बे में पड़ी रहती और तुम अपने आप को भाग्यशाली मानो कि मैं इतना अमीर व्यक्ति, मेरा बेटा इतना अच्छा, मैं तुम्हें प्रपोजल दे रहा हूँ हमारे घर आने का और तुम उसे मना कर रही हो। इससे बहुत क्रोध आया, क्रोध में उसने उस लड़की को बहुत कुछ सुना दिया, उसके पिता को भी फ़ोन कर दिया कि मैंने गलत व्यक्ति को चुना है, इतना एफर्ट डाला, धन लगाया, इतना खर्चा तुम्हारी बेटी के पीछे मेरा लगा है, तुम्हें सबका सब सूद सहित वापस देना होगा, तुम्हारी बेटी मुझे मना कैसे कर सकती है। इतना उनके बीच वाद विवाद हुआ कि जो रिश्ता सुंदर बनकर आगे बढ़ सकता था उसमें दूरियां पैदा हो गई, और ऐसी दूरियां कि आज जीवन में एक दूसरे का से नहीं मिले, ना एक दूसरे का चेहरा देखा। अब ये जो दो केस हमने देखे, ऐसे रिश्ते जहां दोनों को पता था कि एक दूसरे के सहयोग से आगे जा रहे हैं, दोनों मानने तैयार थे, पर सिर्फ एक चीज उनके बीच आ गई जिसकी वजह से दूरियां पैदा हो गई। कौन सी चीज बीच में आ गई? एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं, उम्मीदें। समझा क्या? जब तक उम्मीद नहीं थी रिश्ते सही चल रहे थे, जो एक्सपेक्टेशन बीच में आई दूरियां बढ़ गई।
रिश्तों के बीच जब एक्सपेक्टेशन जैसी चीज आ जाती है, दूरियां स्वाभाविक ही आ जाती हैं। केशव कहते हैं कि आपको दो में से एक को चुनना होता है, या तो रिश्तों को चुने या एक्सपेक्टेशन को, क्योंकि यदि ये एक्सपेक्टेशन रहा तो रिश्तों में दूरियां आनी स्वाभाविक है। जब आप इसे चुनते हैं आपको अंत में दुख ही मिलता है, और यदि रिश्तों इसको छोड़ के रिश्तों को चुनते हैं तो आपको सुख मिलता है। हम देखिए, किसी के लिए थोड़ा सा भी कुछ करते हैं, थोड़ा सा भी, हमारे मन में तुरंत भाव आ जाता है कि मैंने इसके लिए इतना किया है, अब आजीवन ये मेरे प्रति वफादार रहेगा, मुझे सहयोग करेगा। और कई बार तो हमें सामने वाले को पता ही नहीं होता है कि हमने उससे इतनी एक्सपेक्टेशन बांध रखी, इतनी उम्मीदें बांध रखी, इतनी अपेक्षाएं बांध रखी है। अब देखिए ना किस तरह असर होता है इस एक्सपेक्टेशन का हमारे रिश्तों पर। आप जरा सा ईमेल लिखते हैं किसी को, आपने ईमेल लिखा, भेज दिया, वहाँ से इंतज़ार करते हैं, उत्तर नहीं आता है तो क्या अवस्था आपकी? आप इस ओर चले जाते हैं, सेकंड रो जो बताया गया था कि क्रोध आता है, ईर्ष्या द्वेष आ जाता है, बदले का भाव आता है कि हमने तो ईमेल लिख के भेजा, वहाँ से जवाब ही नहीं आया। अब जरा देखिए रोजमर्रा की चीज़ें, आपको आसानी से समझेगा कि किस तरह हम अपेक्षाएं बांध लेते हैं और किस तरह फिर निगेटिव एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। आपके किसी करीबी मित्र का जन्मदिन, करीबी परिचित का जन्मदिन, आपने बहुत सुंदर व्हाट्सएप तैयार किया, विश यू हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू विद हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी, सुख शांति समृद्धि से भरा जीवन हो आपको, आपका जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें, इत्यादि इत्यादि आपने टाइप कर दिया, बढ़िया सा बुके भी छाप दिया, बढ़िया सा केक भी छाप दिया, बढ़िया सा गिफ्ट भी चेप दिया उसके साथ, है ना। ये सब करने में आपको लगा 10 से 12 मिनट एफर्ट डाला आपने, 10 से 12 मिनट लगा, आपने बटन दबा के सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद आप चेक करते हैं उसके पास पहुंचा क्या, लाइन से मालूम पड़ता है पहुंच गया, है ना। अब जब तक ब्लू लाइन आने तक बारंबार कि उसने देखा कि नहीं देखा, है ना, हाँ, अधर हो जाते हैं, बारंबार चेक करते हैं, उसे देखा, बर्थडे उसका, हम अधर, और जब उस देखा कि ब्लू लाइन आ गई है, मतलब देख लिया, अभी तक उत्तर कैसे नहीं आया, है ना। ये आशा हमारे भीतर रहती है कि उसका मैसेज आएगा कि आज मेरा जन्मदिन था, इतने सारे विशेष आए, पर सबसे बढ़िया तुमने विश भेजी है, सबसे सुंदर तरीके से तुमने भेजा है, पर वहाँ से थैंक यू भी नहीं आ पाता, है ना। फिर इमीजिएट, इतनी कर्टसी भी नहीं है क्या उसके अंदर? इतनी तो कर्टसी होनी चाहिए कि धन्यवाद तो देवे, कितना गुस्सा आता है कि मैंने, और हम दूसरों से चर्चा भी कर बैठते हैं कि मेरे को 12-15 मिनट लगे उसका मैसेज टाइप करने में, वो कम से कम इतनी कर्टसी तो रखता कि धन्यवाद तो देता। अपेक्षाएं शुरू, हमारी एक्सपेक्टेशन शुरू, है ना। हम किस जोन में चले आते हैं? नकारात्मक मोड में चले जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते हैं, क्रोध, उसके प्रति फिर सारी निगेटिविटी हमारे भीतर ही, ऐसा शुरू से ही ऐसा था, पहले भी मैं इसको भेजता था उसका जवाब नहीं आता, कितना कितना सोच बैठते हैं उसके लिए कि भविष्य में उसका जब जन्मदिन होगा तो मैं तो मैसेज नहीं करने वाला, तुमको करना है तो कर देना, कितने कितने भाव, किस तरह हम लोग चले जाते हैं। केशव कहते हैं कि दो में से आपको एक चीज चुननी होगी, या तो एक्सपेक्टेशन रख लीजिए, रिश्तों को दूर कर दीजिए, या एक्सपेक्टेशन हटा दीजिए, रिश्तों को नज़दीक ले आइए, चॉइस आपकी है। आगे कहते हैं केशव कि इस भाव के साथ दूसरों का करें, यदि आपको बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं है तो भरपूर कर देवें, यदि आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो केशव कहते हैं बिल्कुल भी कोई भी तरह का सहयोग उन्हें मत दीजिए, न एक मैसेज भी दीजिए, क्योंकि उससे आप मैसेज भेजते हैं, जब वहाँ से जवाब नहीं आता आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप निगेटिविटी से भर जाते हैं,
है ना। आइए अब देखते हैं कि किस तरह हमारे ऊपर असर होता है इन चीज़ों का। हमने देखा कौन सी, जब नेगेटिव एनर्जी हमारे पर हावी होती है तो क्या क्या असर होता है हम विस्तार से जान चुके हैं। जो जन्म कुंडली में हमारे लिखा हुआ है वो चीज़ें भी हमारे हाथ में लिखी हुई लकीरें पर हाथ में नहीं आती। तो ऐसे में क्या करना चाहिए ताकि सतत हम हरी ऊर्जा में ही रहें, पॉजिटिव ऊर्जा में ही रहें, इस बाबत नारायण शास्त्र क्या कहता है। ये वो सेठ, पहली कहानी का सेठ और ये नौकर जिसको नौकरी पे रखा था उसने, याद आ गया क्या? इसके पीछे काफ़ी मेहनत की गई थी, धन समय लगाया गया था। देखिए सेठ ने इसके पीछे मेहनत की, धन लगाया, समय दिया, एफर्ट डाला। नारायण शास्त्र कहता है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे साथ भी होती है, हम जरा सा किसी के लिए कुछ करते हैं तुरंत एक्सपेक्टेशन बांध बैठते हैं और जो ही उम्मीदें अपेक्षाएं सामने वाले से रखते हैं, दुख अपेक्षाएं और दुख साथ में चलते हैं। तो अपेक्षाएं मतलब आपने रखी, मतलब दुख उसके साथ आने वाला ही है, ये निश्चित है। अब जब देखे जरा सा कि ये जब आगे बढ़ा है ना, ये चीजें इसके भाग्य में थी, सफलता इसके भाग्य में थी एज पर नारायण शास्त्र। ईश्वर ने इसे सिर्फ माध्यम बनाया है ना, एग्री है ना इस बात करिए। सफलता इसके भाग्य में थी पर इसके पिता के माध्यम से नहीं थी। इसे माध्यम किसको बनाया? सेठ को बनाया। तो इसमें सेठ का कोई हाथ नहीं है, माध्यम ये बने, माध्यम हम बने हुए हैं। दूसरा, जब तक देखिए हम जब दूसरों को मदद कर रहे थे, ये मेहनत कर रहे थे, धन लगा रहे थे, समय लगा रहे थे, तब ये खुशी अवस्था में थे। जब हम दूसरों को मदद करते हैं, जैसे हमने किया कि मैसेज हमने टाइप किया, तब हमारा मन खुश था, मतलब उसका रिटर्न हमें तभी मिल गया था जब हमने मैसेज टाइप किया, सेंड किया, तब उस समय में हमें उसका रिटर्न मिल गया था, क्योंकि आप खुश मानसिक अवस्था में मैसेज टाइप कर रहे थे। दुखी थे क्या आप? यदि दुखी होते तो टाइप करते क्या? करते नहीं थे। मतलब वो जो उस आपने उसे भेजा उसका सुख आपको त्वरित मिल गया, आपके भीतर ही पॉजिटिव तरंगे प्रवाहित होने लगी और आगे आपका भाग्य खुलता। उसके पहले आपने अपेक्षाएं रखी, आपने इन तरंगों को नकारात्मकता में परिवर्तन कर दिया। अब देखिए ये सेठ इसके पीछे मेहनत, धन और समय, एफर्ट लगा रहा था है ना। जब तक ये लगा रहा था, ये खुश था इसलिए लगा रहा था। यदि ये खुश नहीं होता तो ये लगाता क्या इसके पीछे? और ये मेहनत करता जा रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था, इसलिए इसे लगाने में भी आनंद आता जा रहा था। अगर ये मेहनत नहीं करता तो सेठ उसके पीछे एफर्ट, धन लगाता क्या? तो जब तक सेठ ने लगाया उसे खुशी उस दौरान मिल रही थी, उसका भाग्योदय होता जा रहा था, पर जो ही इसने अपेक्षाएं रखी ये वहां पर ही हमने अपने आप को रोक दिया। अब जो चीज़ें इसने लगाई है, मेहनत लगाया है, धन लगाया है, समय लगाया है, एफर्ट लगाया है, ध्यान रखिए, जो भी चीज़ आप दूसरों को देते हैं हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें वो हमें वापस लौटाए जो हमने मेहनत की थी। ये पार्सल जो इसके प्रति लगा दिया था ये सेठ ने अपनी तरफ से, जब इसने नहीं लौटाया तो सेकेंड पर्सन होता है नारायण जो ये चीज़ों को हमें लौटाता है। ये निश्चित है, इसने नहीं लौटाया तो ये सारी चीज़ें जो तुम्हारी थी जमा, नारायण शास्त्र कहता है कि मेरे जिम्मे आ जाती है, फिर मैं तुम्हें उन चीज़ों को इंटरेस्ट के साथ ब्याज सहित लौटाता हूँ, है ना। अब देखिए ये चीज़ें इसके भाग्य में थी, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि हमें बहुत घमंड होता है कि हम हैं करके इसका कई काम हुआ है, अन्यथा कोई दूसरा करके नहीं दे सकता था, है ना। इसके भाग्य में था, ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? इसके भाग्य में चीज़ें थी। माध्यम किसको बनाया ईश्वर ने?
इसी को माध्यम क्यों बनाया? और भी कई सारे लोग थे। इसी हमें माध्यम कब चुनता है ईश्वर? जब हम अच्छे कार्य करते हैं, मतलब हमें माध्यम बनाया गया था इसको सपोर्ट करने के लिए। क्यों बनाया गया था इसे माध्यम? क्योंकि इसका कोई कर्म ऐसा था जो फलित होने जा रहा था, कोई बहुत बड़ा जैकपॉट इसके भाग्य में था, पर सर्टन कर्म उसे रोक रखे थे। इससे प्रभु की कृपा हुई, इससे माध्यम बनाया गया कि तुम ये यहाँ पर चुकाओ ताकि हम तुम्हें जैकपॉट पहुँचाएं। पर हम तो इसी लाभ गणित में रह गए ना, इसी की तो ये चीजें हमारे हाथ से जैकपॉट छूट गया। समझ रहा है क्या सब आपको? कि कोई बहुत बड़ा कर्म उदय होने आता है, कोई बहुत बड़ा जैकपॉट उदय होने आता है, तब ईश्वर आपको माध्यम चुनता है कि इतना सा ये चीजें उठा ले ताकि तेरा रास्ता आगे का क्लियर हो जाए। पर हम उसी उसमें घूमते रहते हैं, ये चीजें हमारे हाथ में नहीं आ पाती है। तो जब भी आपको किसी को मदद करने का मौका मिले, आप हमको ये समझते हैं अच्छे से कि हम माध्यम है, समझता सबको है, क्योंकि जब दूसरों को ज्ञान देना होता है तो हम सहज ही बोलते थे तुम तो माध्यम थे, उसने मेहनत से अपना कमा लिया। पर जब यही चीजें खुद के ऊपर आती है हम रिटर्न चाहते हैं, और जब एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो ही ईर्ष्या द्वेष क्रोध ये चीजें हमारे भीतर आती है, हमारी ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है, हमारी ऑरा नकारात्मक हो जाती है, तो जो भाग्य में लिखी चीजें भी हैं वो हाथ में नहीं आ पाती। और ये जब इसने मेहनत की, सेठ कह देता कि तुम्हारी मेहनत थी, मैं तो महज माध्यम था, तुम आगे बढ़ो, तो क्या कंपनी उसकी आगे नहीं बढ़ती? क्या कंपनी बढ़ती कि नहीं बढ़ती? आगे कितना गुना आगे बढ़ती उसकी, और कहां पर आ गई चीजें? आके रुक गई वही उस लड़की के भीतर। उस मिस्टर ए ने उस लड़की पर समय लगाया, धन लगाया, इस भाव से कि बहुत अच्छी संस्कार की लड़की है, पैसा लगा रहा हूँ, अंत में इसको बहू बना के घर ले आऊँगा, मेरा घर फलित हो जाएगा। पर जब लड़की ने मना किया और वो मान जाता कि जहाँ तेरा मन है वहाँ शादी करके देता हूँ, तो वो लड़की इसके प्रति जीवन भर आभार प्रकट करती या नहीं करती? और कितनी दुआएं देती, उन दुआओं से पता है उसका भाग्य उदय होता कि नहीं होता। पर हम इतनी अपेक्षाएं रख बैठते हैं, अपेक्षाएं और दुख चोली दामन का साथ है। जहां अपेक्षाएं रखी, उम्मीदें रखी, वो दुख आपकी झोली में आने वाला ही है। और दुख एक नहीं आता पूरा, हमने कहा ना, जैसे आपने देखा नेगेटिव एनर्जी पूरा कुनबा साथ में लेकर आती है, पॉजिटिव एनर्जी पूरा कुनबा साथ में लेकर आती है। तो जहां भी आपको मौका मिलता है दूसरों की सहायता करने का, त्वरित कर दीजिए, तन से कर दीजिए, मन से कर दीजिए, धन से कर दीजिए। बोल दी, समझ जाइए कि उसने आपको चुना है, मतलब ये यहां पर चुकाया और इसके पीछे जैकपॉट मेरा ही आने वाला है। और पूरी योग्यता के साथ कि मुझे यदि माध्यम चुना है तो मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है। इतने सारे लोग हैं उनको माध्यम नहीं चुना, हमें क्यों माध्यम चुना? कुछ विशेष उसके कृपा है तो मुझे तो करना ही करना है, अपेक्षा नहीं रखनी है। इज इट क्लियर? जितना आप कर सकते हैं करते जाइए, जहां ध्यान रखें, जहां आप अपेक्षाएं बांधेंगे, एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, आपके हाथ में दुख आएगा। और जब रिश्तों का करते चले जाएंगे सुख ही सुख आपकी किस्मत में आता चला जाएगा। जो चीजें भाग्य में नहीं है वो चीजें भी आप आसानी से पाते चले जाएंगे। तो आज का इतना ही, क्योंकि अगली स्टोरी में मैं विस्तार का आपके ऊपर ही छोड़ने वाली थी कि पूरे मैंने आपको मेहनत करनी, उसमें आपने क्या सीखा, तो अगली बार उस पर चर्चा करेंगे। आज हमने केशव के माध्यम से समझ में चीजें आई हमको सिर्फ एक, और ये एक चीज यदि आपकी समझ में आ गई, सारे त्योहार आपके खुशी आनंद उत्साह के साथ ही मनेंगे। और जब खुशी आनंद उत्साह के साथ आप अपने त्योहार मनाएंगे तो सुख शांति समृद्धि सफलता इन्हीं में छुपी हुई है। आज तक हमारा गणित गलत चल रहा था,
है ना, कैसे कि सुख शांति समृद्धि सफलता आएगी तब हम खुश आनंद और उत्साहित होंगे। वो कहता है पहले खुशी आनंद उत्साह से भरो, तुम्हारे पीछे पीछे हम सुख शांति सफलता समृद्धि तो कर ही देंगे। साथ में आती है खुशी आनंद के साथ साथ भरा पड़ा है उसके भीतर। तो एक्सपेक्टेशन को साइड में रखें, अपने रिश्तों में जितना तन से दे सकते हैं, मन से दे सकते हैं, धन से दे सकते हैं, करते चले जाइए। और आपको रहस्य समझ में आना चाहिए कि मुझे सिर्फ माध्यम बनाया गया है इसका करने के लिए। इसको तो वैसे भी सफलता मिलनी थी, यदि मुझे चुना गया है और यदि ये रिटर्न नहीं करता तो वो रिटर्न करेगा। जो चीज़ें मैंने लगाई है वो यदि ये व्यक्ति रिटर्न नहीं करता, यदि मन में भाव भी आता है, सौदा कर रहे हैं हम कि इसके पीछे इन्वेस्टमेंट कर रहे, रिटर्न आएगा तो इसके पास से नहीं आएगा तो उसके पास से आएगा, आएगा जरूर, क्योंकि जो भी चीज़ें आप देते हैं वही चीज़ें आपके पास लौट कर आती है। नारायण नारायण नारायण। काउंटर पर ये दो पुस्तिकाएँ उपलब्ध हैं, नारायण शास्त्र के अनमोल वचन। जो नियमित सत्संग में आते हैं वो तो जानते हैं ये क्या चीज़ है पॉकेट डायरी। जो नए जुड़ते हैं हमेशा, उनकी जानकारी के लिए कि रामायण में पिछले पन्नों पर एक स्क्वायर दिया गया होता है, उस पर जब आंख बंद करके हम उंगली रखते हैं, अपनी समस्या कोई कहते हैं, तो उसमें जो भी अक्षर आता है और पन्ने पलटे कि हमें चौपाइयों के माध्यम से हमारी समस्या का समाधान मिल जाता है, है ना। आजकल फास्ट फूड का ज़माना है, समय हमारे पास बहुत सीमित है, तो सीमित समय में आप इसको बहुत अच्छी से, मैगी को तो भी बनने में 2 मिनट का समय लगता है, इसमें आपको 2 सेकंड का समय भी नहीं लगता। जब आप कोई प्रश्न कोई समस्या सामने आए उसका उत्तर हम किस तरह खोज सकते हैं, इस पुस्तिका को हाथ में रखा, हाथ से ढका, सिर्फ आपके जो मन में समस्या है वो कह दीजिए, रैंडमली पन्ना खोल लीजिए नारायण का उच्चारण करके, और जो उत्तर इसमें आपको मिलेगा वो आपकी समस्या का समाधान होगा। जो लिखा है वो करते जाइए, सफलता निश्चित है, निश्चित है, है ना। दूसरा, हाँ ये काउंटर पर उपलब्ध है, 20 रुपीज़ इसका कॉस्ट है, और ये छोटी सी श्रीमद् भगवद्गीता कह दीजिए या ट्रेजरर बुक कह दीजिए, इसमें सुंदर सुंदर शब्दों, सिर्फ अच्छे शब्दों का संकलन किया गया है, कि NRSP जो है शब्दों पर बहुत अधिक फोकस करता है। हम शब्दों के सामर्थ्य को, ताकत को समझ चुके हैं कि जो शब्द हमारे मुख से निकलता है वो अपना असर जरूर दिखाता है। तो ये शब्द इसमें अच्छे अच्छे दिए गए कि जिन जिन शब्दों का आप उच्चारण करते चले जाएंगे वैसा आपका जीवन बनता चला जाएगा। जैसे आपने छोटी सी जी भी कोई चीज़ देखी, आपका सत्संग कैसा था, फैंटास्टिक, एक्सलेंट, सुपर, आपने जो इन शब्दों का उच्चारण किया आपका जीवन फैंटास्टिक, एक्सलेंट, सुपर, जो शब्द आप उच्चारित करते जाएंगे वैसा आपका दिन जीवन दुनिया बनती चली जाएगी। तो अच्छे अच्छे शब्द हमको आने चाहिए कि त्वरित हमारे मुख से निकले, तो संचय इसमें है, काउंटर पर नीचे उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। परसों और सत्युग मैगजीन हमारी साप्ताहिक मैगजीन काउंटर पर उपलब्ध है इस महीने की, आप लीजिए। त्योहारों पर बड़े बड़े उपहार तो बांटते हैं, साथ में ये 3 चीज़ों का संकलन भी अपने परिवार को दीजिए। पॉजिटिविटी अधिक से अधिक फैलाएं ताकि उसका जब जितनी चीज़ें आप फैलाएंगे वो चीज़ें आप तक ही पहुंचती चली जाएगी। आप दूसरों का जीवन सुंदर बनाते चलेंगे, आपका जीवन खुद ब खुद सुंदर 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 बनता चला जाएगा। खुशियाँ ही खुशियाँ बरसे आप जाएँ जहाँ जहाँ, आई रिपीट, खुशियाँ ही खुशियाँ बरसे आप जाएं जहाँ जहाँ, मांगी है हमने रब से दुआ जाने कहाँ कहाँ, मांगी है हमने रब से दुआ जाने कहाँ कहाँ। नारायण नारायण नारायण।